दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए आपका अग्निवीर को लेकर के एक ज़बरदस्त न्यूज़ को लेकर दोस्तों, जो कि आजकल आप सभी साथी देख रहे हो कि बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा में है, अमृतपाल जी की जो है शहादत को लेकर के दोस्तों। जो आपके अमृतपाल जी थे, जो कि अगर बात करूँ आपका अग्निवीर के तहत साथी भर्ती हुए थे इंडियन आर्मी में, और क्या हुआ साथी कि इनकी खुद के राइफल से या दोस्तों किस तरीके से जम्मू कश्मीर में तैनात थे, भी बहुत ही जल्दी अपनी छुट्टी वगैरह काट करके वापस गए हुए थे। तो दोस्तों इनकी जो है शहादत हुई, ठीक है ना, ये बहुत ही दुखद था। अब देखिए उससे ज़्यादा दुखद दोस्तों ये था कि आप सभी साथी, और देखिए आप में से दोस्तों जो भी बाद में यूट्यूबर वगैरह भी हैं, जो भी दोस्तों आप लोग आर्मी वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं, सबसे मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग दोस्तों इस पर अपना एक एक वीडियो जरूर दीजिए, ताकि सरकार तक दोस्तों आके जो भी दोस्तों अथॉरिटी हैं उन तक ये चीज़ें जाएँ कि देखिए जो आपका अग्निवीर का, देखिए एक बार दोस्तों मैं बात करूँ एक सूची का आपके लिए, मैं दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि देखो अग्निवीर दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन दोस्तों ये 4 साल की जॉब, ठीक है ना, 4 ईयर की दोस्तों आपकी जॉब है, ठीक। बच्चे दोस्तों में अगर बात करूँ तो आप देखिएगा हमारे देश के इतने सारे युवा दोस्तों जो भी आर्मी में भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, इतने अधिक जोश और सम्मान के साथ दोस्तों अभी भी सेना में शामिल हो रहे हैं स्कीम आने के बाद भी। अच्छा दोस्तों अब देखिए, पैसा एक सेकेंडरी चीज़ होती है, लाइफ एक सेकेंडरी चीज़ होती है, परमानेंट लाइफ कैरियर सब कुछ एक सेकेंडरी चीज़ होता है, लेकिन सबसे प्राथमिक चीज़ होता है कि जब अगर कोई जवान, चाहे वो अग्निवीर की तहत हो, परमानेंट हो, कैसे भी हो, कुछ पेपर दोस्तों जो ड्यूटी पर तैनात है, और ड्यूटी पर तैनात होते साथ ही क्या हो रही है, उसको दोस्तों शहादत हो रही है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको दोस्तों पूरा सेना का सम्मान, ठीक है, सरकार की तरफ से सपोर्ट, और अपने जो भी नागरिक हैं उनसे सम्मान जरूर मिलना चाहिए। ये दोस्तों हमारा प्रथम कर्तव्य है, हम सभी साथियों का, हम सभी देशवासियों का एक प्रथम कर्तव्य है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे दुखद दोस्तों क्या था, जब ये जवान हमारा शहीद होकर के आए दोस्तों, ना तो इसके साथ कोई सेना का सम्मान था, ना सेना की गाड़ियाँ थी, ये सारी चीज़ें जो कि अभी आप लोगों ने देखा सब न्यूज़ में आया, और सबसे दोस्तों हृदय विदारक चीज़ें थी इसकी दोस्तों जो बहन या माता जो भी है, मुझे नहीं भी इनके बारे में पता है कौन है, शायद इनकी बहन है दोस्तों, जो न्यूज़ वगैरह से समझ में आया है, उन लोगों ने दोस्तों इनको कंधा दिया। वो दोस्तों देख करके मतलब जी भराया कि मतलब सोचिए वो सैनिक, वो जवान जो हम लोगों के लिए दोस्तों अपने जान पर खेलता है, अगर दोस्तों आज हम लोग देश के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, कुछ भी दोस्तों कर पा रहे हैं, आसानी से अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो उस पर दोस्तों इन जवानों के बदल दोस्तों हम लोग एकदम इज्जत के साथ यहाँ रह रहे हैं, सम्मान से खा पी रहे हैं दोस्तों, टाइम से सो रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन सोचिए आप एक बार मेट्रिक सोचिए दोस्तों, जो जवान हमारा जम्मू कश्मीर में, जो जवान हमारा सियाचिन में, जो जवान हमारा नॉर्थ ईस्ट में, कितनी विकट परिस्थितियों में रह करके भी दोस्तों अपने देश को क्या कर रहा है, अटैक से, आतंकवादियों से कितना सुरक्षित रखने का प्रयास करता है दोस्तों। अगर आपने देखा होगा पिछली बार गलवान घाटी का जो इशू था, ठीक है ना, उसमें देखिए करीब करीब कितने जवान हमारे शहीद हुए थे, लेकिन दोस्तों किस तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को, एक गोली भी नहीं चलाई थी, लेकिन फिर भी अपने आप को देशवासियों को किस तरीके से कितनी मजबूती के साथ डटे रहे थे। चाहे आप दोस्तों उरी अटैक देख लो, पुलवामा देख लो, किस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर ऐसे जवानों का सम्मान नहीं होगा, इनके साथ दोस्तों अगर चीज़ें नहीं आएंगी, तो फिर समझिए फिर आप इस देश में फिर सम्मान किसको मिलेगा। सोचिए दोस्तों, जो अपनी जान की बाजी लगा करके हम सब लोगों के लिए, हम हमारे देशवासियों के लिए अपने जान पर खेल करके हमारी सुरक्षा कर रहा, अगर दोस्तों उनके साथ ऐसी कंडीशंस होंगी तो आप समझिएगा कितना हृदय विदारक है। और ये चीज़ें दोस्तों सरकार को भी देखना चाहिए कि चलिए आपने अग्निवीर किया, जो भी किया दोस्तों वो सब ठीक है, चलिए वो एक सेकेंडरी बात है, उसमें जो इशू है वो अलग बात है, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर एक मानवीय होने के नाते और एक सेना का जवान की वर्दी पहनने के नाते और सेना में भर्ती होने के नाते मैं आप लोगों से कहना कि सभी साथी दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर वगैरह हैं, जितने भी साथी दोस्तों, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, उन सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, देखिए आप 1 करोड़ रुपया दे दोगे, आप 2 करोड़ रुपया दे दोगे, वो मैटर नहीं है, ये एक सैनिक का सबसे बड़ा गहना है दोस्तों, उसका सम्मान होता है। अगर दोस्तों आप उसको सम्मान नहीं दे पा रहे हो, सैनिक सम्मान सब उसको विदाई नहीं दे पा रहे हो दोस्तों, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और मुझे ये कहते हुए कोई भी गुरेज नहीं है कि अगर जिस देश में दोस्तों सैनिकों का सम्मान नहीं होगा, वो देश दोस्तों बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
ठीक है ना। सो जो देखिए आप मेरी बात को समझिए, सो इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, अगर आप समझेंगे मेरी बात को। मान लीजिए ये अग्निवीर के तहत भर्ती हुए थे, ठीक है, अमृतपाल जी को जो है आपने ठीक तरीके से सम्मान नहीं दिया दोस्तों। इससे दोस्तों जो हमारे आगे जाने वाली जनरेशन, जो अग्निवीर की तैयारी करने वाली जनरेशन, जो गाँव देहात से निकल करके बच्चे जा रहे हैं, उनके मन में कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। कैसा एक निगेटिव बनता है कि भाई अग्निवीर को सम्मान भी नहीं मिलता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी वर्दी पहनने का, ऐसे देश सेवा करने का। देखिए ये मैसेज जाएगा कि नहीं, बिल्कुल दोस्तों ये मैसेज जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मैं अपने देशवासियों से, सेना से, दोस्तों सरकार से एकदम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा, देखिए ऐसी घटनाएं दोस्तों दोबारा नहीं होनी चाहिए। और कभी भी ऐसा केस अगर दोस्तों, उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसको देखे जाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने जो है दोस्तों इनके प्रति एक निर्णय लिया दोस्तों, उसको बहुत ही मतलब साहसिक कदम है दोस्तों, बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करने वाला कदम है। और भगवान मान जी को भी दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने दोस्तों इस घटना के बारे में संजीदगी तरीके से चीज़ों को लिया है, संवेदनशील तरीके से चीज़ों को लिया है। और आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि भाई जितना हो सके ये वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि दोस्तों एक मैसेज जाए। और मैं अपने ही दोस्तों सारे यूट्यूबर से, सारे बड़े बड़े चैनल से कहूँगा कि आप लोग इस पर अपना एक व्यू ज़रूर रखें, ताकि सरकार तक, देश में सभी देशवासियों तक ये चीज़ें पहुँचें और सभी लोग सेना के सम्मान को प्राथमिकता दें। और दोस्तों देखिए जो मेरे यूजर्स हैं दोस्तों, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग सेना के जवानों को देखते हैं, ठीक है ना, तो आप ज़रूर दोस्तों उनको एक सैल्यूट दिया करिए, ताकि उनको एक अच्छा लगे कि हमारे देश के नागरिक भी हमारे लिए सम्मान करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोगों से इतना कहूँगा कि आप सभी साथी जो है वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी देशवासियों तक ये चीज़ें जाएँ, ये मैसेज जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।